सर आपका नाम क्या है? मनीष जैन फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। सर आपका स्पेशली कलेक्शन क्या है? मेरे पास स्पेशली कलेक्शन पूरा मिंट वाइज है 1947 से लेके टिल नाउ 2014 तक। ऑल ईयर ऑल मिंट एंड ऑल कॉमरेटिव एंड डेफिनेटिव पॉइंट्स आर देयर एंड सम नोट्स आर ऑल्सो देयर। सर सर कर्नाटक न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी का एग्जीबिशन होता है, वो आपने कितनी बार अटेंड किया है? मैंने शायद 7 से 8 बार अटेंड किया अभी तक। सर आपको कैसे लगता है, कैसे लगा? मेरे को तो हर साल ऐसा लगता है कि साल में 2 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का क्राउड और पीपल आर वेरी गुड और बहुत ही अच्छे तरीके से कलेक्शन करते हैं यहाँ के लोग। तो मैं तो वेट करता हूँ कि कब हो। साल में अलग अलग जगह अलग अलग एग्जीबिशन होते हैं, वो आप अटेंड करते हो? जी हाँ सर, ऑल ओवर इंडिया अटेंड करता हूँ एक्सेप्ट अपना कोयम्बटूर एग्जीबिशन छोड़ के, और जो है बेंगलोर हैदराबाद इन साउथ, ये 2 सिटी ऐसे हैं जो पीपल क्राउड जो है एकदम क्रेजी है कलेक्शन के मामले में, इसलिए यहाँ तो आते ही आता हूँ। ज़्यादातर पसंदीदा एग्जीबिशन आपका यही है? मेरा ज़्यादातर पसंदीदा एरिया अपना कलकत्ता एंड बेंगलोर एंड हैदराबाद, ये ज़्यादा है मेरा। यहाँ पे कलेक्टर का रिस्पांस कैसे है? कलेक्टर का रिस्पांस इतना अच्छा होता है कि आना ही पड़ता है ना। ये कोई टीवी पे न्यूज़ देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो है फैक्ट तो वही बोलता हूँ। और जो कलेक्टर से उनका डिमांड ज़्यादातर कौन सी डिमांड करते हो? हम लोग, हमारा तो रिपब्लिक है तो हमारा रिपब्लिक में अच्छा डिमांड रहता है यहाँ पे और पूरा अच्छा दिन जाता है। आपका सबसे स्पेशली और महंगा कलेक्शन कौन सा है? सबसे महंगा कलेक्शन तो अपना ये डाई वेराइटीज वगैरह है मेरे पास, जो गवर्नमेंट में बाय मिस्टेक अपना डाई चेंज हो जाता है, तो वो डाई वेराइटी वाला कलेक्शन है मेरे पास। अच्छा, थैंक यू सर।